तो भाई लोगों आज आ गए हैं जी बीए पास चिकन वालों के पास। अबे जी क्या हाल चाल आपके? अबे जी ये बताइए कि आपने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सेटअप बना रखा है। ये जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लगी हुई है चाम लगी है, वेज है सारी? ये सारा वेज है। अच्छा ये वेज है और ये बड़ी जबरदस्त चीज लगी हुई है आपके यहाँ पे। ये हमारी देखी ग्रिल। वाह लॉर्ड क्या ही बात। ये सर हमारी ग्रिल है, ये सारा का सारा सेटअप फोरन से तैयार, मतलब आप फोरन को कॉपी करते हुए या कुछ भी कह लो लेकिन वैसा कर रखा है। ये पूरे जलंधर में सिर्फ एक ही जगह मिलता है यहाँ पे, ज्योति चौक नकोदर चौक के बीचों बीच डाउनटाउन होटल के पास, बीए पास चिकन। अच्छा ग्रिल प्लस स्टीम दोनों है, ग्रिल तो होता ही होता है साथ में स्टीम भी हो जाता है। इससे लोग जो है हमारे मतलब कहने का भी जो आकर्षित होकर हमारे पास आते हैं, बाकी सारा जो जगाड़ा सारा अंदर है सर। अच्छा सारा अंदर जी सर। तो क्या ही बात है। अच्छा बताइए कि लगा क्या रहे हैं यार, ये तो मुझे लेग पीस नजर आ रहे हैं और ये क्या? ये सर फुल चिकन लगा हुआ है, फुल भुना कुकड़ है सर। ये फुल भुना कुकड़? भुना कुकड़ हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चलने वाला चिकन सर, भुना कुकड़, नवाबी चिकन, पेरी पेरी चिकन। नवाबी कौन सा इसमें? नवाबी ये सर, ये सारा नवाबी हाफडन हो रहा है। तो इसके अलावा आपके पास और कौन से चिकन होते हैं? ये तो हो गया ड्राई रोस्टेड ग्रिल वाले चिकन हो गए, इसके अलावा सर हमारे पास फ्राई होता है, तंदूरी होता है, बटर चिकन, तवा चिकन, ग्रिल अपना राड़ा चिकन, कढ़ाई चिकन सारा चलता है। तो आप चपाती वगैरह? चपाती वगैरह सारा कुछ, बटर नान, बटर रोटी, हर चीज़ है सर। तो मुझे बताइए सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं? सबसे ज़्यादा सर हमारा भुना कुकड़, पेरी पेरी एंड नवाबी चलता है, तीन फ्लेवर चलते हैं। ठीक है बाकी भी चलते हैं लेकिन ये पेरी पेरी और भुना कुकड़ सर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा जी जी। तो अच्छा रोस्ट होने के बाद इसको और भी प्रेपरेशन में इसके मसाले वगैरह डालते हैं? जी सर वो सारे रोस्ट होने के बाद डालते हैं सर, वो मसाले भी क्या हमारा प्यार ही है सर। प्यार बहुत डालते हैं वहाँ पे? जी सर प्यार भर भर के, प्यार ही बांटने हैं यहाँ पे और करना भी क्या है सर। चिकन बेचने का हमारा सबसे ज़्यादा मोटिवेट एक तो हमारी दुकान पे आके पूरी प्रॉपर वाइब आती है, हमारे चिकन में सात तरह के फ्लेवर होते हैं कि बंदा डेली खाता रहे बोर ना हो। ये आपने बीए पास नाम क्यों रखा है? हम ना बीए कर रहे थे सर, तो बीए हमसे पूरी करी नहीं गई, हमने बीच रास्ते में छोड़ दी, चलते कॉलेज से बाहर आ गए, हमने सोचा कुछ करना नहीं है, घर वाले ताने मारते थे क्या ही करोगे जिंदगी में, बीए तुमसे पास नहीं हुई, इसलिए मतलब ताने मार मार के दिमाग में इतना भर दिया उन्होंने कि हमने नाम ही बीए पास रख दिया। अब यहाँ पे बीए पास करेंगे सर आपके सामने। अच्छा। जो बंदे नॉन वेज नहीं खाते वेज खाते हैं उनके लिए स्पेशल है, इसमें चार तरह के फ्लेवर देते, चाम में भी हम चार तरह के फ्लेवर देते हैं। आमतौर आप जाओगे बाजार में आपको पुदीना चाम, मलाई चाम, तंदूरी चाम ये सब मिलती है, हमारे यहाँ पे उल्टा है सर, हमारे चाम में मलाई चाम, भुना चाम, पेरी पेरी चाम, तंदूरी चाम मिलती है सर, मशरूम है साथ में, पनीर टिक्का होता है सर। तो मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम आपके पास आया था तो आपका यही सेटअप था और आपके पास शॉप नहीं थी, तब आप बाहर ऐसे ही लगाते थे और फुटपाथ के ऊपर सारा सामान रखा हुआ था। तो आज भाई साहब ये देखिए इनके पास दुकान है प्रॉपर, नीचे सारी किचन है और ऊपर जल्दी ही सिटिंग शुरू हो जाएगी और यहाँ पे स्पेशल जो मिलेगा ना आपको, खोलिए अभी जी जरा इसको। तो ये जो खजाना है ना, तो ये जो खजाना है ये यहाँ पे बहुत ही स्पेशल है और यहाँ का नवाबी चिकन मैंने ट्राई किया था लास्ट ईयर, याद है आपको? जी सर नवाबी चिकन ट्राई किया था और बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए ये हाफ डन हो गया जी। जी सर ये हाफ डन हो गया, अब इसको फुल डन करने के लिए तैयार है। तो भाई साहब ये भुना कुकड़ है और ये रेडी हो गया, इसको अब ये मसाले वगैरह डाल के सारा ये तैयार करेंगे। क्या बात। तो ये अमूल बटर आप? अच्छा अच्छा ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का चिकन है। ठीक है इसमें हमारे जितने भी मसाले सारे प्रीमियम क्वालिटी के जाएंगे, इसमें कोई भी चीप चीज़ जो है वो कोई भी इसमें यूज़ नहीं होती सर। इसका फ्लेवर अब जो निकलेगा ना सर इसकी खुशबू से ही पता चलता है कि बाकी चीज़ बनी है कोई। ये हमारे बीए पास चिकन का स्पेशल फ्लेवर है, अभी हमने अभी ऐड किया सर ये, और इसका फीडबैक इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त, ये नवाबी से भी ज़्यादा चलता है। अब हम टेस्ट करा के देखेंगे आपको, उसके बाद बताएंगे आपको कैसा। तो अभी जी इसका प्राइस क्या है, हाफ और फुल का? ये सर हाफ 270 का है, फुल 470 का है सर। अच्छा जी। तो भाई साहब जो फिश के शौकीन है ना उनके लिए फिश भी है यहाँ पे। ये कौन सी फिश है जी? सर भुना फिश, भुनी हुई फिश। हाँ जी सर भुनी हुई फिश। अच्छा ये मसाला बड़ा जबरदस्त है। यही तो सर कमाल है। ये फिश है कौन सी? मतलब मली है? हाँ मली 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 है फिश। हाँ जी सर। तो ये कितनी है जी फिश? जी सर 250 ग्राम। 250 ग्राम। तो क्या प्राइस क्या रहने वाला इसका? इसका सर 350। चलिए जी अब इसको थोड़ी देर पकड़ने देते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे फिश हो रही है तैयार, रोस्ट हो चुकी है, अब इसकी हो रही है प्लेटिंग। तो इसके ऊपर आ रहे हैं कुछ मसाले और साथ में मिलेगी आपको चटपटी चटनी, साथ में सैलड, ऐसा ही है जी। और इसको बोलते हैं जी पेरी पेरी चिकन? जी सर इसको बोलते हैं पेरी पेरी चिकन, ये जो स्टूडेंट लोग होते हैं जो सर। तो इतने सारे मसाले? जी सर चलते हैं। पेरी का मतलब ही सर होता है कि चटपटा, चटपटा जी, मिर्ची वाला पूरा स्पाइसी तीखा। अच्छा जी क्या बात है जी। इसको ज़्यादा जैसे लवली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते हैं ना सर, वो बहुत डिमांड करते हैं इसकी, पेरी पेरी दो पेरी पेरी दो। इसको खाने के चक्कर में हमें बोलते हैं कि आप सेकंड ब्रांच कब ओपन कर रहे हो सर वहाँ पे। क्या बात है के पास। अरे वाह जी सर। तो चलिए जी ये अब इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, बड़ा चोखा रंग कर दिया अभी जी। बिल्कुल सर वाह खाने में हो चोखा तो ये। चिकन पेरी पेरी हॉट वेरी वेरी। लो जी नया स्लोगन आया जी, चिकन पेरी पेरी हॉट वेरी वेरी। तो चलिए जी इसकी भी प्लेटिंग हम देखते हैं। ये डालना शुरू कर दिया इन्होंने, इसके साथ सेम वही सैलड और चटनी आएगी, बस फ़र्क है ये पेरी पेरी है वो उसमें ऐसे मसाले नहीं डलते, ये मसाले लाल रंग के मसाले हैं और साथ में क्रीम है और सैलड है।
ये देखिए भाई साहब आ गई सैलड, ये हमारा प्रीमियम सैलड है सर, प्रीमियम सैलड बोलते हैं। वाह, सारा कुछ मिक्स है इसमें ना, ये हम अकेले प्याज नहीं देते सर। अच्छा, चुकंदर वगैरह सारा कुछ है, बड़ा प्रीमियम सैलड है। चलिए ये देखिए जी, ये होगी प्लेट तैयार। इसमें लग रहा है रैप, इसको खाने के बाद पूरी नवाब वाली फीलिंग आती है सर बंदे को। अच्छा, पूरी नवाबों वाली फीलिंग रही है। जी सर, जी जी। इसको रैप करेंगे साथ में, फील आया कि भाई आपने नवाबी चिकन खाया है। जी सर, बढ़िया। चलिए लेमन भी आ गया जी, आपके टेस्ट को और एनहांस करने के लिए। फाइनल टच क्रीम। चलिए ये आ गई जी अमूल की फ्रेश क्रीम, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ये, साथ में आएगी चटनी और साथ में हमारा सैलड होगा सर। ये हमारा प्रीमियम सैलड होगा जी। सैलड जी, तो ये हमारी ग्रीन चटनी सर। और ग्रीन चटनी, ये पुदीने वाली ग्रीन चटनी है जी सर। चलिए ये होगी जी प्लेटिंग नवाबी चिकन की। चलिए तो ये आप जो प्लेट देख रहे हैं इसमें नवाबी चिकन है, तो चलिए इसका करते ट्राई। और देखने में बहुत ही लाजवाब लग रहा है, मेकिंग आपको दिखाई है, बहुत ही बढ़िया खुशबू इतनी आ रही थी भाई साहब कि दिल इतना कर रहा था। तो आखिरकार हमने इसकी प्लेटिंग करवा ली, तो बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हुआ, बहुत ही अच्छी तरह से। ये टूट रहा है मेरे हाथ में, ये देखिए, और जूसी भी बहुत है। इसमें बहुत कुछ डाला गया, मसाले तो ऑब्वियसली डाले हैं, और साथ में क्रीम डाली गई है, और अंदर तक ये अच्छी तरह से कुक है, तो बहुत ही बढ़िया। इसका करते हैं जी टेस्ट, तो देखते हैं जी नवाबी चिकन क्या कहता है, कि नवाबी वाली फीलिंग देता है कि नहीं। तो बहुत ही भाई साहब टेंगी टेस्ट, क्रीम का हल्का सा टेस्ट आ रहा है जो मसाले के साथ मिक्स है ना, और चिकन जो है बहुत ही जूसी है, फ्रेश चिकन है, और जो रोस्ट हो रखा ना बहुत ही ज़बरदस्त है, और बहुत ही अलग टेस्ट आ रहा है। और वाकई में जो इनके जो मिक्सचर है ना मसाले के, ये तीन चार तरह के मसाले डालते हैं, तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही लाजवाब है। चिकन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करते हैं, और साथ में जो हल्का सा लेमन का टच दिया हुआ ना, ज़बरदस्त भाई साहब। हाफ ये है 270 रुपये, और जो फुल है 470 रुपये। ये जो लाल सुर्ख आपको नज़र आ रहा है, ये पैरी पैरी चिकन है, देखने में ही लग रहा है, और देखने में स्पाइसी भी लग रहा है। तो इसका करते हैं जी टेस्ट। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया पीस, चटनी के साथ करते हैं डिप। ओहो वाह, वाकई बहुत ही कमाल का जी, बहुत ही कमाल का। और मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि पेरी पेरी चिकन जो है ना वो ज़रूर टेस्ट करना, नवाबी आपको बताया बेमिसाल। और जो पेरी पेरी है ना बल्ले बल्ले करा दी, थोड़ा सा मिर्ची वाला खा सकते हैं, तो पेरी पेरी चिकन ज़रूर ट्राई करना। इसमें जो क्रीम डाली है साथ में मसाले डाले हैं ना, वाह जी वाह, बहुत ही ज़बरदस्त। बीए पास चिकन, नकोदर रोड ओपोजिट होटल डाउनटाउन, दूर से पता चल जाएगा, धुआं निकल रहा होगा ग्रिल के ऊपर से। और ये जो फूड तैयार हो रहा है ना, मस्त फूड है जी। मुझे नहीं याद मैंने पेरी पेरी चिकन इससे टेस्टी मैंने कहाँ खाया था। ओहो वाह जी वाह, क्या ही बात है, बीए चिकन वाले पास हैं जी, बीए कर गए। वाह, चलिए जी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय।